बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जल्द ही द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन के बाद ऑफिस खुलने के साथ ही एक दर्जन विभागों में इंटर स्तरीय सहायक लिपिक, आशुलिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक सहायक, राजभाषा निदेशक के 2649 पदों पर नियुक्ति की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए आयोग जून अंत तक विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। आयोग के पास अब एक दर्जन से अधिक विभागों से रिक्तियां आ गई है, जबकि कई विभागों ने जल्द ही रिक्तियां भेजने की सूचना दी है। सबसे अधिक नगर विकास सह आवास विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 2188 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजने की स्वीकृति दी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने कहा कि अब तक विभिन्न विभागों से 2649 पदों की अधियाचना की स्वीकृति आयोग को प्राप्त हुई है। इसी महीने के अंत तक विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को जुलाई तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसमें 40,000 से कम आवेदन आने पर प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर टंकण, आशुलेखन या फिजिकल जांच परीक्षा आयोजित होगी। यदि 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा भी आयोजित कराई जाएगी। अब आपको बताते हैं कि किन किन विभागों में कितनी रिक्तियां हैं। श्रम संसाधन विभाग आशुलिपिक की 16 पद हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आशुलिपिक 12, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजभाषा विभाग सहायक राजभाषा अनुदेशक 1, स्वास्थ्य विभाग फाइलेरिया निरीक्षक 69, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजभाषा विभाग सहायक अनुदेशक 7, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजभाषा विभाग अनुदेशक 7, श्रम संसाधन विभाग निम्न वर्गीय लिपिक 54, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजभाषा विभाग टंकक सह लिपिक 4, अभियोजन निदेशालय गृह विभाग निम्न वर्गीय लिपिक 69, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग निम्न वर्गीय लिपिक 75, परिवहन विभाग निम्न वर्गीय लिपिक 89, खान एवं भूतत्व विभाग निम्न वर्गीय लिपिक 58, नगर विकास सह विभाग निम्न वर्गीय लिपिक 2188, यानी कि कुल मिलाकर 2649 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार सरकार की तरफ से जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। और ऐसे में ये जानकारी आपके लिए अहम है कि किन किन विभागों में कितनी रिक्तियां हैं, जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जल्द ही द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे जुड़ी जो कुछ भी खबर हमारे पास आएगी वो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।